दोस्तों मैं हूं जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस YouTube चैनल जीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप 2020 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से तो आप अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन कैसे निकाल पाएंगे। इससे पहले क्या होता था कि एडमिट कार्ड आपको आपके स्कूल के द्वारा दिया गया जाता था, ठीक है, लेकिन अब एडमिट कार्ड आप अपने घर पर ऑनलाइन डाउनलोड करके ले जाकर उस एडमिट कार्ड को ले जाकर आप परीक्षा दे सकते हैं मैट्रिक इंटर का भी। तो अभी जो ये एडमिट कार्ड जारी किया गया मैट्रिक का ही जारी किया गया, इंटर में अभी टाइम है 2-3 दिन, उसके बाद उस इंटर भी आ जाएगा, उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। तो किस तरह आप अपना एडमिट कार्ड 2020 का मैट्रिक का डाउनलोड कर पाएंगे उसके बारे में मैंने इस वीडियो में विस्तार से बताया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सिंपली से आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है बिहार बोर्ड ऑनलाइन। गूगल पे सर्च करेंगे बिहार बोर्ड ऑनलाइन, जैसे सर्च करेंगे पहले वाले ऑप्शन बिहार बोर्ड ऑनलाइन वाले पे इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने में कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक है, सबसे ऊपर में दिया गया है क्लिक हियर टू व्यू प्रिंट फाइनल एडमिट कार्ड, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट का भी लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, जैसे आप लिंक क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसलिए हम आपकी सुविधा के लिए लिंक भी दे दिए और आपको मैं बता भी दिया हूँ पूरा प्रक्रिया। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको स्कूल कोड मांगा जाएगा। आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन जो मिला होगा उसमें स्कूल कोड भी दिया होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया होगा। तो स्कूल कोड यहाँ पे देना और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देना। रजिस्ट्रेशन नंबर इस टाइप का देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद फिर डेज देंगे, फिर नंबर देंगे, फिर डेज, उसके बाद ईयर देंगे। इस तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना होगा आपको इस बुक में। डेट ऑफ बर्थ पहले डेट देना होगा, उसके बाद बंद, उसके बाद ईयर, ठीक है। तो इस तरह आप फिलअप कर लेंगे स्कूल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ये सारा चीज़ फिलअप करने के बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरह रहेगा। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल रहेगा, आपका नाम, विद्यालय का नाम, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे 13 नंबर में दिया गया आपका एग्जाम कहाँ पर है, परीक्षा केंद्र का कोड एवं नाम। ये 13 नंबर में जो ही आपका यहाँ पे एग्जाम गया है, एग्जाम सेंटर नंबर है, ठीक है। और इसके नीचे ही आपका टाइम टेबल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे डेट दिया गया है और किस सब्जेक्ट का परीक्षा वो दिया गया, कौन सा सीटिंग है वो दिया गया, टाइम दिया गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे दिया गया है। इसको प्रिंट कर, प्रिंट करने के लिए ऊपर में यहाँ पे प्रिंट आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट आइकन पर क्लिक करके आप इसको रंगीन में प्रिंट कर लीजिएगा और इस एडमिट कार्ड से आप परीक्षा दे सकते हैं 10th का, मैट्रिक का। इसी एडमिट कार्ड से आप परीक्षा दे सकते हैं, आपको कॉलेज से एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो इसको आपको प्रिंट कर लेना है। तो चलिए आप प्रिंट कर लीजिएगा और यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे पूरी चीज आवश्यक निर्देश बताया गया, कब पहुँचना है, क्या सब लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना, उसके बारे में यहाँ पे पूरा निर्देश दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और 2-3 दिन में इंटर का भी एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसके बारे में अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे नॉलेजफुल जानकारी के साथ फिर एक नई वीडियो में।